हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन अभी आया था, इसकी फॉर्म फिलिंग भी हाफ हो चुकी है, मतलब 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन और बचे हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अभी 7 डेज में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कुछ कॉमेंट्स भी मैंने देखे, तो आज हमने चेक किया। तो अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया वो था 2820508, मतलब अभी तक 50,288 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी सिर्फ 7 डेज हुए हैं, 7 डेज और बाकी। मतलब कंपटीशन तो रहेगा, मुझे लगता है कि कम 1,00,000 लोग तो रजिस्टर करेंगे और अगर उतने करेंगे तो कुछ 70,000-80,000 तो अपीयर भी होंगे, तो कंपटीशन अच्छा है। आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी इस एग्जाम के लिए। अभी हमने एक टॉपर स्टॉक भी शेयर किया था, वहां पर उन्होंने कुछ मॉक टेस्ट भी सजेस्ट किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट यूज किया। तो अगर आपको भी परचेज करना है तो उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट पे 25% ऑफ चल रहा है और आप एक कोड यूज करेंगे FES23 तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। साथ ही अभी आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन भी, कल से उसकी फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी, आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसीलिए अब आपको तैयारी दोनों एग्जाम्स की करनी है। अब आप लोगों को ये भी चूज करना रहेगा, हो सकता है इसके कारण भी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम हो जाए क्योंकि आरआरबी की तरफ भी आप सब फोकस करेंगे। आरआरबी से रिलेटेड हम काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी मैंने एक ये भी वीडियो बनाया था कि आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ में क्या डिफरेंस होता है और क्या ये वर्थ है कि हम आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर करें, तो वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।